देख रहे हैं अखाड़ा, आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। हमारे आसपास बेतहाशा बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण के खतरे को देखते हुए 7 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के तय मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। कोर्ट ने लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेने का वक्त तय किया और 20 जनवरी तक सभी अवैध लाउडस्पीकर हटाने के बाद शासन से रिपोर्ट भी मांगी गई। कोर्ट के आदेश के बाद कई मामले ऐसे भी सामने आए जब पुलिस अवैध लाउडस्पीकर हटाने गई तो इलाकाई लोगों ने उन पर हमला भी बोला। ऐसी मनमानी से बीमार बुजुर्ग और छात्रों के साथ साथ आम लोगों को परेशानी होती है। सवाल ये उठ रहा है कि आज 4 महीने पूरे होने के बाद भी क्या ग्राउंड जीरो पर काम पूरा हुआ? 4 महीने में धार्मिक स्थानों से क्यों नहीं हटाए गए अवैध लाउडस्पीकर? इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी क्यों? धर्म के आगे प्रशासन का सरेंडर आखिर क्यों? बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि क्या धार्मिक दबंगई का प्रशासन के पास कोई इलाज नहीं है? पुलिस के पास कोई इलाज नहीं बचा है क्या? सवाल बड़ा ये कि बिना परमिशन के अब तक क्यों टंगे हैं लाउडस्पीकर? ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद, क्योंकि 4 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन अब तक पुलिस इस पूरे मामले में नाकाम साबित हुई है। पुलिस का सीधा तौर पर रवैया इसमें ढीला ढवाली का देखने को मिला है। आज तमाम इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरी समस्या पर लोगों का क्या कहना है। सबसे बड़ी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी थक हार के घर आता है, वो जहाँ पे स्पेशली मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वहाँ पे रात में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। रात भर बसते रहते हैं मंदिरों में, रात भर नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो एक टाइम बनाया है गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि 10 बजे तक वो बंद हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी हमें नहीं दिखता कोई जरा सा भी पालन हो रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सरकार भी समय सोई हुई है, कुछ नहीं ध्यान दे रही इस बात। बहुत देर तक बजा करते हैं, बच्चों के एग्जाम्स वगैरह आते हैं उस समय बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों को। गेस्ट हाउस वगैरह में भी कोई वहाँ के संचालक होते हैं वो भी नहीं ध्यान देते हैं, ना पुलिस ध्यान देती। पुलिस के सामने ही सब हुआ करता है, कभी भी कुछ कोई भी नहीं ध्यान देता इस बात। सरकार भी इस समय नहीं कुछ, बस खाली एक बार आदेश हो उसके बाद से तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा अभी भी कोई भी पालन नहीं हो रहा है इसका, आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा। वो अभी भी 10:30 तक अलाउड है, बस 12 बजे 1 बजे तक वो बजाते हैं और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। बिकॉज अभी पेपर बहुत मतलब सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस टाइम वो लोग और शादी भी मतलब सबकी है तो वो लोग और तेज़ बजाते हैं और कोई भी पालन नहीं होता। 10:30 बजे के बाद भी बजाते हैं वो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं, सबका परिचय आपसे कराते हैं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण प्रकाश जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से हमारे साथ, जगदीप सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, मतीन खान अध्यक्ष मुस्लिम लीग के आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, अमरनाथ मिश्रा जी अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समन्वय समिति के वो भी हमारे साथ हैं, और थोड़ी ही देर में मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम में। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे सर, 4 महीने बीत गए 7 जनवरी 2018 से आज 22 मई 2018 पे हम बात कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि आज तक लाउडस्पीकर पर रोक नहीं लगा पाए हैं? राकेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? राकेश जी की आवाज नहीं हम तक आ पा रही है। पालन करना ये उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। कोई भी हाईकोर्ट का आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है और हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि ऐसा कोई भी काम जिससे जनसामान्य को कोई समस्या पहुंचती हो उस काम को रोका जाना चाहिए। लाउडस्पीकर जितने डेसिबल का अनुमन्य किया है हाईकोर्ट ने, अगर उस डेसिबल से ज्यादा की आवाज करने वाला कोई भी लाउडस्पीकर हो तो उसको बंद किया जाना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर इसको विनम्रता के साथ इस अनुरोध के साथ जोड़ूंगा कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें बहुत सारे लोगों की भावना साथ जुड़ती हो, उनका आस्था जुड़ता हो, उसको बहुत हार्ड एंड फास्ट तरीके से, बहुत कठोरता से उसको नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बातचीत करके, उनको समझा बुझा करके और उनको साथ इस बात पर सहमत करके उसको लागू किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 4 महीने में संभव हो पाया सर? राकेश जी नहीं, हमने कई प्रयास किए हैं और कई स्थानों पर हमने अलग अलग तरीके से रोकने का इसको काम किया है और
आज बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो या मंदिर हो, लाउडस्पीकर उतारने का सरकार ने काम भी किया है। अलग अलग स्थानों पर हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आम सहमति बना करके वहां पर स्थानीय जो समितियां हैं, वहां पर आवासीय समितियां हैं जहां पर ये मंदिर बने हुए हैं, जहां ये गिरजाघर बने हुए हैं, जहां ये मस्जिद बने हुए हैं, वहां बातचीत करके इसको आम सहमति के आधार पर उतरवाया जाए और बड़ी संख्या में हमें सफलता मिली है। मदीन खान जी, आपने पिछली बार मेरे साथ इस मंच पर बैठ के ये कहा था कि निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं और हम सहयोग भी करेंगे, लेकिन सर क्या आपको लगा कि इन चार महीने में, हालांकि 20 जनवरी का वक्त दिया था हाईकोर्ट ने, लेकिन बावजूद इसके कई तस्वीरें हम ऐसी देख रहे हैं कि जो समय है, जो समय तय किया गया रात के 10 से सुबह 6 बजे तक का, उसके बीच भी लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तेज ध्वनि से बज रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, पुलिस वहां पहुंच रही है तो नोकझोंक हो रही है, दबंगई दिखाई जा रही है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, परमिशन मांगी गई है, जिन लोगों ने परमिशन मांगी है, हर आदमी का एक अलग अलग दायरा होता है। हम मुसलमानों से बेसिकली मस्जिदों से रिलेटेड जो मामलात हैं, तो मस्जिद में अज़ान होती है 2-3 मिनट की, इससे ज़्यादा होती नहीं है अज़ान, और दिन में 5 बार अज़ान होती है। उसके लिए जिन लोगों ने, जब हम मुस्लिम कम्युनिटी से कहा गया कि आप अपने लाउड स्पीकर की परमिशन लें, तो बाकायदा लिख करके दिया गया है, मगर मेरे नहीं समझ में आता हुकूमत किस तरह का ये मजाक कर रही है कि वो हम मांग कुछ रहे दे कुछ रहे। साहब, हमने मांगी है 5 वक्त की अजान की परमिशन, अब वो बता रहे साहब सुबह आप 9 बजे से 6 बजे से और आप 9 बजे रात तक के कर सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये देश जो है, ये देश आस्था का देश है, ये देश राम का देश है, अरे ये देश नास्तिक देश को थोड़ी ना है, यहाँ कोई नास्तिक को थोड़ी ना है, यहाँ आस्था रखने वाले लोग हैं, आस्था वही रखेगा जो जिस वक्त जिसकी आस्था होगी उसी वक्त वो अपना पूजा करेगा, उसी वक्त वो अजान देगा, ये तो मजाक हो रहा है बिल्कुल कि जब जिस वक्त समझ में आया जो समझ में आया कर दिया। ध्वनि प्रदूषण का मामला है, ध्वनि डिपार्टमेंट ने कितने परमिशन दिया बताएं, मैं ये बता रहा हूँ ध्वनि प्रदूषण की बात आई है, ध्वनि डिपार्टमेंट ने किसको परमिशन दी है? मजाक हो रहा है, सिर्फ पुलिस के लोगों की इंक्वायरी हो रही है, पुलिस के लोग जांच कर रहे हैं, ध्वनि से रिलेटेड कोई बात ही नहीं आ रही है। का तो सवाल ही नहीं उठता सर, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि धार्मिक स्थलों पर जो बिना टाइमिंग के लाउड स्पीकर बज रहे हैं उन पर रोक क्यों नहीं? हमने परमिशन सवाल ये कि जब 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक देना चाहिए की गई है, वो तो उन्होंने साहब एक लाइन से दे दी एक परमिशन, ये कौन सा तरीका होता है? एक जो टाइम मांगे 3 मिनट की मांगे, आप 5 मिनट की क्यों दे रहे हो परमिशन? आप 3 मिनट की परमिशन दो अमरनाथ जी, आप अननेसेसरी इन सारे मामले को लेकर कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? मामला किया होते हैं, अभी जैसी योगी सरकार आई उन्होंने फौरन इस तरह के हालात लेकर के आए कि साहब गोशबंदी हो जाए, हाईकोर्ट का आदेश है, योगी सरकार को गोशबंदी हो जाए, हाईकोर्ट का आदेश है। मतीन जी समझने की कोशिश करिए, कहीं कोई आदमी गोरखपुर में कोई हादसा हो जाता है वहाँ डॉक्टर कपिल दिखते हैं, हाईकोर्ट के आदेश का पानी का बकरा चल जाता है, पता नहीं कौन सी मानसिकता लेकर के सब लोग आए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आखिर आपका प्रशासन, आपकी पुलिस क्यों फेल हो रही है? रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए जब हाई कोर्ट ने मनाही की बावजूद हम उसके देख रहे हैं कि 4 बजे लाउड स्पीकर बज रहा है, 3 बजे लाउड स्पीकर बज रहा है। डीएम का कुछ विवेक नहीं, डीएम को कुछ अख्तियारात नहीं होंगे? चांद अगर आज 29 का हो गया तो 30 की जो है छुट्टी देगा, और अगर 30 का हुआ तो 31 के डीएम का पावर क्या होगा? आपने डीएम को सबको बिल्कुल किनारे रख दिया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं रखेंगे। सुन लिया जी, आपकी बात पूरी हो गई। अरे भाई मतीन जी, आपकी बात, आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं है, लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो अनुपालन हम करा रहे हैं, वो सरकार का कोई निर्णय नहीं है, पहले इस बात को समझ लीजिए और उसके बाद बात करिए। हम कहीं मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कहीं हम सिखों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कहीं हम हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश कराने के लिए हमारी संवैधानिक दायित्व है और उसको हम को टारगेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बात सही है लक्ष्मी जी, ये बात सही है लक्ष्मी जी, हम इस बात से सहमत हैं, टारगेट किया नहीं किया। किसी भी आदेश की अनुपालना 100% सहमत 100% होनी चाहिए। इस मामले में जिसमें हाईकोर्ट का आदेश है, कहीं कहीं पर कुछ स्थानों पर हो सकता है कि इन आदेशों का अनुपालन पूरा न हो पाया हो, लेकिन सरकार उसको पूरी तरह से कराने के लिए संकल्पित है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। वास्तविकता में जो व्यवहारिक कठिनाई थी, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ऐसे मसले जहां पर धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मसला हो, वहां पर दबाव बना करके अगर बिना सूझबूझ के वहां निर्णय लिया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने का खतरा होता है। ऐसे मामलों में सूझबूझ के साथ बातचीत करके
पीस कमेटी वहां हो, वहां के जो बुद्धिजीवी नागरिक हो उनके साथ बातचीत करके आपसी सामंजस्य बना करके और इस निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाए तो ये बेहतर। राकेश जी, 7 जनवरी 2018 से 22 मई 2018 कोई रिपोर्ट आपके पास है? कितने लाउडस्पीकर उतरवाए गए, कहां पर आज भी बज रहे हैं और बज रहे हैं, तो आखिर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? क्योंकि निर्देश में यह भी दिया गया था कि जो अधिकारी पालन नहीं करा पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उन्होंने वहां पर बातचीत की है लोगों के साथ, पीस कमेटी की मीटिंग्स की है, उनको समझाई से संदर्भ में दी है। मैं इस तरह के कई उदाहरण जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, जहां पहले 4 लाउडस्पीकर लगे थे, उनको इस बात के लिए सहमत कराया गया कि वो 3 लाउडस्पीकर उतार दें और 1 लाउडस्पीकर केवल बजने दें और इस 1 लाउडस्पीकर का वॉल्यूम वो कम करें। इस तरह के कई हमने विकल्प धीरे धीरे लिए हैं। हम प्रयास इस संदर्भ में कर रहे हैं कि इस मामले को पूरा जैसा कानून की मंशा है वैसे लागू कराएं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको बहुत दबाव बना करके बिल्कुल तरासही तरीके से अगर हम करेंगे तो ये धार्मिक से धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मसले होते हैं, इसमें पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा होता है। ऐसे मामलों में जो मिनिमम लिबर्टी होती है वो मिनिमम लिबर्टी अधिकारियों को दी गई है। प्रकाश जी, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? 7 जनवरी से इस पूरे मामले का आदेश आया, बावजूद इसके आज भी वही घटनाएं हो रही है। सुबह 3 बजे बजता है, कहीं 4 बजे बजता है, जबकि सुबह 6 बजे तक के लिए मनाई है, कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी वहां नहीं पहुंच रहा, कोई भी रिपोर्ट वहां नहीं बनाई जा रही, क्या समझे इसको? देखिए लक्ष्मी जी, सर्वप्रथम बात तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अनुपालन कराने में कहीं ना कहीं इसकी क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप पक्षधर हैं क्या जी कि 10 से 6 लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए? आप पक्षधर हैं इस बात के? नहीं, इस बात की पक्षधर? मेरा पूरा जवाब आने दीजिए तो मानस जी मैं उसका भी जवाब। आपने पहला आरोप ही लगा दिया कि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। नहीं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं उसी लिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो ये देश बहुत ही धार्मिक आस्थाओं का देश है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, मत को मानने वाले, पंथ को मानने वाले लोग यहाँ वासी हैं, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, जातियां हैं। तो सबसे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था तो प्रधानमंत्री को ही एक कमेटी बनानी चाहिए थी और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक कमेटी बनानी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं हर धर्म, हर बिरादरी के लोगों को शामिल करना चाहिए था कि कैसे हम इस पर कंट्रोल कर सकें। और देखिए, सुबह करीब 4 बजे 4:30 बजे अजान होती है, 4:30 4:30 5 बजे के करीब चलता है, पूजा भी शुरू हो जाती मुझे है। ये बताइए तो, कि जो कोर्ट का आदेश है क्या प्रशासन उसका पालन नहीं कराएगा? इसीलिए मैं कह तो रहा हूँ लक्ष्मी जी की योगी सरकार को, मोदी सरकार को इन सारी बात को लेकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। जैसे अभी मतीन भाई कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे कि सुबह 7 बजे से लेकर के और रात 9 बजे तक। अब भाई अजान तो सुबह 4 बजे होगी, 5 बजे के करीब होगी, मंदिर में भी, मंदिर खुल जाते हैं 4-5 बजे तो वहां भी घंटा घड़ियाल बजने लगता है, लेकिन जो ध्वन का मानक रखा गया है, जो ध्वन का मानक तय किया सुप्रीम कोर्ट, बिना लाउडस्पीकर के अजान नहीं होती? नहीं, अब ये बिना लाउडस्पीकर का मैं उदाहरण देती हूँ, निश्चित रूप से सारे मस्जिदें वहां पर ऐसी हैं जहां पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, जब जब लाउडस्पीकर नहीं रहे होंगे, इस्लाम भी इस बात के कहता है कि जिससे तकलीफ हो उसको ना करो। मैं लाउडस्पीकर नहीं रहे होंगे, मैं जब रसूलुल्लाह के समय में लाउडस्पीकर नहीं रहे होंगे तो निश्चित रूप से अजान तो कल तो आदमी से ही होती थी या पूजा पाठ आदमी से होती, लेकिन जैसे जैसे प्रगति किया, आबादी दूर बढ़ती गई और आबादी दूर होने लिए इसलिए ये अजान का या किसी चीज की प्रक्रिया के लिए किया गया। इसमें भी रास्ता बनाया जा सकता, मेरा साफ कहना है इसमें भी रास्ता बनाया जा सकता। सरकारें बैठ सकती हैं, उलमा बैठ सकते हैं, मंदिर के पुजारी बैठ सकते हैं, लेकिन सरकार जब दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि नहीं, हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः पालन कराना है और सर्वोच्च न्यायालय को भी अवगत कराना है कि ये भारत के मुस्लिम सबकी ये समस्या। राकेश त्रिपाठी जी, अरुण को अरुण प्रकाश जी कह रहे हैं कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है इस पूरे मामले में कदम उठाने की। नहीं लक्ष्मी जी, एक बात तो पहले मैं इस पर आपत्ति व्यक्त कर दूं, जो अभी अरुण प्रकाश जी ने कही कि सुबह ही मंदिरों में भी घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं,
मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो प्राकृतिक वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज से किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे लाउडस्पीकर है, जो आवाज ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, उसके कारण समस्या उपजती है। घंटों से, घड़ियालों से, शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, उससे किसी प्रकार का कलर देना नहीं होता है। पहली बात, कलर देने की कोशिश मत करिए। मैंने एकदम साफ कहा, आपने कहा, मैंने साफ कहा, उसमें माइक का प्रयोग होता है, उससे माइक का प्रयोग होता है। 4 बजे मंदिरों में भी घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं, बातें शूट करती हैं। मंदिरों में घंटे घड़ियाल पर आप आपत्ति व्यक्त करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। आप उनका लाउडस्पीकर पे एक मानक तय कीजिए ना। देखिए, कांग्रेस की राजनीति यही है, ये घंटे घड़ियालों पर आपत्ति व्यक्त करने लगते हैं। भाई, मंदिरों के घंटे घड़ियालों पर आपत्ति व्यक्त करिए। जब आपके मस्तिष्क का घंटा घड़ियाल बजने लगता है, जब आपके मस्तिष्क का घंटा घड़ियाल बजने लगता है, उस पे हमें आपत्ति है। उस मसले पर सरकार प्रभावी कार्रवाई, मोहन भागवत के मस्तिष्क पे कार्रवाई में पीछे, जब उनके मस्तिष्क से घंटा घड़ियाल बजता है, उस पे आपत्ति है। राकेश जी, इम्प्लीमेंट आप नहीं करा पा रहे हैं। ये जो बातचीत आप कहते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इम्प्लीमेंट सर आप नहीं करा पा रहे हैं। 5 महीने में कम से कम कुछ तो रिजल्ट आता था। हमने तो राकेश जी दो सुझाव दिए कि आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लोगों से भी बैठना चाहिए था, और ध्वनि का मानक जो तय किया तो बड़े कोर्ट को तय करा दीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर, और जिसको मतिन खान जी जैसे लोग जो परेशान है, मतिन खान जी जैसे लोग जो परेशान है, उस बात का प्रमाण है। अरे भाई, आप बनारस में पूरे मंदिर तोड़वा रहे हैं, बनारस में कॉरिडोर के नहीं नहीं राकेश जी, आप 150 मंदिरों को तोड़वा रहे हैं बनारस में। आप कौन सी बात हिंदुओं की करते हैं? लाउडस्पीकर पर बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं। ये सब बातें क्यों, ये सब बातें कहकर क्यों आप सांप्रदायिक तौर पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं? सांप्रदायिक उकसाने का काम है? आप बनारस में 150 मंदिर तोड़वा दें, 500 वर्ष की पुरानी मंदिरों को तोड़वा रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं उकसाने का काम है भाई? भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाने के लिए, जनता पार्टी कॉरिडोर क्या होता है? गंगा माँ के साथ जोड़ने के लिए, हमारे सभ्यता पे अगर कोई कार्य हो रहा है तो बुलडोजर चलाएंगे। आप मंदिरों में बनारस में बुलडोजर चला रहे हैं। अब आप करें कि साहब वो बात मत कहिए। ठीक है वानश जी, आप मुझे बताइए। अरे भाई, आपके देखने की दृष्टि है, हम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। हम वहाँ बेहतर से जीर्णोद्धार हो गया था, और आपको मंदिर टूटते भी दिख रहे हैं। आपके आने से पहले भाई, मंदिर तोड़ने वाले के साथ आप खड़े हैं। लोग भी मेरे साथ, हमने हम तो मंदिर बनवाने वाले हैं। आप तो बाबरी मस्जिद के साथ हैं। एक राम को 20 वर्षों से त्रिपाल में डाले हुए हैं। आप एक राम को 20 वर्षों से त्रिपाल में डाले हैं। हनुमान जी ने कर्नाटक में आपको सजा दी, राजीव गांधी जी ने आपको जनकपुर में जिम्मेदार सजा मिली है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। अब वो नेहरू जवाहरलाल नेहरू रोना रोते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू अगर चाहते उस समय खिलजी नहीं की बात चाहते उस समय लक्ष्मी जी चाहते तो सोमनाथ मंदिर की तरह अयोध्या में राम का मंदिर बन गया होता। आप सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन पर को मिला करके सोमनाथ की तरह पर रामलला मंदिर बन गया होता। अरे राकेश जी, हर बात पर हर तो हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अमल पालना कराएंगे। उसके लिए आस्था का केंद्र है सर, मैं भी समझती हूँ, लेकिन चुनाव में और हर डिबेट में उसका इस्तेमाल मत करिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मानस जी, मेरा सवाल सर आपसे है कि 2000 नहीं तो अरुण प्रकाश जी लेकर आप राम के व्यापारी है। अरुण जी प्लीज, आप राम के नाम का व्यापार कर रहे वोटों के तहत। प्लीज 2 मिनट रुके, डिबेट मत करिए डिबेट को। मानस जी, 7 जनवरी 2018 को ये आदेश आया कोर्ट का, और 20 जनवरी को इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। तब तो ऐसा लगा कि वाकई सरकार बेहद गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारी बेहद गंभीर हैं, लेकिन 5 महीने में क्या रिजल्ट देखने को मिला? क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की थी, और तय हुआ था कि जितने भी शहर है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा कि जहाँ से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें, संकट इस बात का था कि क्या धार्मिक स्थलों को से जो लाउडस्पीकर है, क्या उनको उतरवाना इतना आसान होगा, और क्या जनता में विद्रोह नहीं हो जाएगा, लोगों में विद्रोह की भावना नहीं जागृत हो जाएगी। तो उसका बहुत आसान सा तरीका निकाला गया कि सभी लोगों से कह दिया कि आप परमिशन ले लीजिए। लेकिन खुद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैं बड़ी देर से मैं इस डिबेट को मैं सुन रहा था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों नहीं ये बात आ रही है। खुद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बात को कह चुका है कि उसके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है फिलहाल जो ध्वनि प्रदूषण का मानक तय कर सके। उनके पास जो संसाधन है वो इतने सीमित है कि वो किसी एक आध जगह की तो वो का मैप कर सकते हैं, लेकिन वो सभी जगहों पर जा करके हर इलाके में ध्वनि प्रदूषण का स्तर नाप सके, इस तरीके की उनके पास सुविधा फिलहाल नहीं है। तो ये कैसे तय होगा? अब इसका दूसरा एक असर क्या हुआ
जो अगर सामान्य धरातल पे बात की जाए और डिबेट से अलग निकल करके यहाँ जो जो बात जो हो रही है अगर उससे थोड़ा सा औपचारिकता से अलग हट करके अनौपचारिक बात की जाए तो कोर्ट के आदेश का असर ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की वसूली बढ़ गई है। वसूली इस लिहाज से बढ़ गई है कि वो जितना भी डंडा चलाया जा रहा है वो उन्होंने टारगेट कर लिया है कि जितने भी मैरिज लॉन हैं, जो बैंक्वेट हॉल हैं, जहां पर 10 बजे के बाद डीजे बजता है वहां पर वो कोर्ट का ऑर्डर लेके पहुंच जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप डीजे बंद कर दिए। जब वहां पर लोग जिसके जश्न होता है, जिसके उत्सव होता है, वो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर और चल जाने दिए, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद उनको एक परमिशन दी जाती है कि ठीक है एक दो घंटे और बजा लिए, आवाज़ धीमी कर लीजिए। तो धरातल पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि इस ऑर्डर की आड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वसूली है वो मुझे लग रहा है कि सालक के वक्त जो शादी ब्याह का सीजन होता है उस वक्त काफ़ी बढ़ गई। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी डिबेट में शामिल सदस्य नहीं होगा जो मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखता हो, खुद राकेश जी भी। जगदेव जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? 5 महीने हो गए, माना जी ने भी सही कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस की वसूली बढ़ गई है, लेकिन जो घटनाएं हैं उन पर रोक नहीं लगी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कहां हिलावाली हो रही है? देखिए, अगर कोई कोर्ट का आदेश हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, अनुपालन की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। सरकार को सभी धर्मों को लोगों को भी विश्वास में लेना जरूरी था। एक पीस कमेटी बनाती, थाने वाले लोग बुलाते हैं, बात करते हैं, और अगर महसूस होता है नहीं नियंत्रण समझूत करना तो करना चाहिए। अगर महसूस होता धार्मिक लोगों की भावनाओं लेने के बाद तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे। कोर्ट ने किसी को टारगेट करके नहीं कहा है, कोर्ट का पूरा सारे सहमत हैं तो उनके सहमति होनी चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार आप 100 डायल करिए पहुंच जाती है और पैसा छोड़ के ले जाती है, ये भ्रष्टाचार का और एक घंटा बन गया और ये प्रशासन फेल हो गया काम करने में। दारी मुद्दे को इस पूरे मसले को हालांकि मती जी तो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, शायद वो भूल गए कि ये जो पूरा आदेश आया योगी सरकार का नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। ऐसे में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसको टारगेट किया जा रहा है, जिस वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो रही है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, छात्रों को दिक्कत हो रही है, हम सबको दिक्कत हो रही है, तो उसको हम किसी धर्म से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? बहुत अच्छा सा एक शेर है लक्ष्मी जी, काश उसका घर मेरे घर के पास होता, वो ना आता उसकी आवाज तो आती। खाली धार्मिक स्थलों को, चाहे किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों, उनको ही एजेंडे में लिया गया कि इनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के बहुत से और भी कारण हैं, जितने भी लखनऊ में विक्रम चलते हैं कोई ऐसा विक्रम नहीं जिसके अंदर बहुत स्पीड में एफएम और टेप न चल रहा हो। ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर आया था कि बड़ी गाड़ियों में हूटर नहीं लगेंगे और हाई स्पीड के हॉर्न नहीं लगेंगे। अब आप देख लीजिए कि सारे नेता विधायक मंत्रियों की गाड़ियों में और उनके रिश्तेदारों की गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न बैन है, अमरनाथ जी इसके अलावा जनरेटर जनसेट जो बहुत सी चीजें आपको बता रहे हैं, तमामों चीजें ऐसी आगरा के खाली धार्मिक स्थलों को लेके ही क्यों इस तरीके की बात की गई? अगर आपको ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करना है तो उनके और भी जो चीजें उनको आप देखिए, और सरकार को ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया था उसमें एक पुनर्विचार याचिका डालते और सारे धर्मों के सब लोगों के पक्षों का उस पर हवाला दे करके उसको बीच में लेके बीच करा सकते हैं। उससे पहले अमरनाथ जी हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन वो हम सबके भले के लिए है, भला है उसमें, तो खाली धार्मिक स्थलों को ही खाली टारगेट क्यों बना रहे हैं? अमरनाथ जी, एनजीटी की तरफ से भी इसमें डायरेक्शन दिए गए थे और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन आ चुकी है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जरूर आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो आदेश था या इस तरीके ये जो मुहिम है कोर्ट की, ये पिछली सरकारों में, उस वक्त यूपीए भी सत्ता में थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी चल रही थी, चूंकि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और जो वोट बैंक है वो छिटक ना जाए, इसलिए कभी किसी ने इसमें हाथ नहीं डाला। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महाराज जी, क्या था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सावन के मेले में जो कांवड़ यात्राएं निकलती थी अखिलेश यादव के समय, समाजवादी पार्टी और कुछ लोगों की तरफ से उस पर आपत्ति की गई थी कि जो कांवड़ लेके चलते हैं ये ज़्यादा ध्वनि फैला रहे हैं, इनको रोका जाए। कांवड़ के डीजे बंद करा दिए गए थे बगैर किसी कोर्ट के आदेश के। ये गलत था कि आप उस समय, कोई हाई कोर्ट का आदेश नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। यहाँ हाई कोर्ट का आदेश, वहां तो पालन होना चाहिए, चलिए पालन होना चाहिए, पालन होना चाहिए, मगर खाली धार्मिक स्थलों के ही लाउडस्पीकर पे क्यों? उन गाड़ियों समारोह पर भी रोक लगाई गई है, बैंकेट हॉल में भी रोक लगाई गई है। मगर आप समझ लीजिए कि अगर शादी ब्याह
कोई बारह मास नहीं होते शादी ब्याह मुसलमान। सवाल ये कि जो टाइमिंग दी गई है उसका हमको ख्याल रखना होगा या नहीं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा या नहीं? आप ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल करिए, मगर कोई अगर उत्सव मना रहा है, कोई त्यौहार मना रहा है, आप उसके लिए परमिशन की बात की गई है सर, परमिशन लीजिए उसके बाद उसको बजाइए, लेकिन लोग परमिशन नहीं ले रहे, मगर बहुत जगह परमिशन नहीं मिल रही है। आदेश का भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है इस पूरे मामले में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा जारी रहेगी, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाउडस्पीकर के मामले पर प्रशासन फेल क्यों साबित हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लाउडस्पीकर के बारे में, जिसका हाईकोर्ट का आदेश 7 जनवरी को आया, लेकिन अब तक उसको अमल में नहीं लाया गया। आखिर प्रशासन पुलिस क्यों फेल है, इस बात पर लगातार चर्चा चल रही है। ब्रेक के बाद राकेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का सही से पालन कराने और न करने पर कड़ी कार्रवाई वहां पर करी जाए, जो लोग इसका सिस्टम का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए आपने कौन सा सिस्टम बनाया, क्या कोई यहां पर आपने जानकारी इस पर दे सके, वेबसाइट की तैयारी की गई वहां पर कोई? लक्ष्मी जी, सबसे पहले ही हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू शासन की तरफ से एक पत्र भेजा गया था सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की गई थी वो सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से इस बात के रिकॉर्ड्स मंगा लें कि कहां कहां पर धर्मस्थल है और कहां कहां धर्मस्थलों पर कितने लाउडस्पीकर्स लगे हैं, उसकी रिपोर्ट पूरी मंगा करके और उस पर पूरा लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया। सभी जगहों पर सबको नोटिस रिसीव कराई गई इस कानून के बारे में, इस निर्देश आदेश के बारे में सबको जानकारी मुहैया कराई गई कि हाईकोर्ट का आदेश है और ये लाउडस्पीकर्स जो अब निर्धारित समय सीमा से ऊपर बज रहे हैं, जिनकी अनुमति नहीं है वो अनुमति के लिए निहित प्रारूप पर वो अनुमति के लिए आवेदन करें। बड़ी संख्या में लोगों ने तमाम मस्जिदों से भी और तमाम मंदिरों से भी इस अनुमति के लिए आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए हैं और उस पर आवेदन। राकेश जी प्लीज, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी है हम लोग को, लेकिन क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो ध्वनि प्रदूषण मापने के जो यंत्र है जो उनके पास नहीं है, क्या उसको उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए मानस जी, ध्वनि प्रदूषण नापने के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है और उसको मापने का क्या मैकेनिज्म है, मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये विषय अगर आपने जरूर उठाया है इस चर्चा में तो मैं जरूर इस बारे में, राकेश जी उन्होंने कंप्लेन, मैं जरूर इसको पहल करके इसको पता करूंगा। राकेश जी, अखबारों में खबर छपी थी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह बयान आया था, जब उनको जवाब दाखिल करना था तो उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ एक मशीन है, सिर्फ लखनऊ में, उसके लिए उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि हर जगह वो ध्वनि प्रदूषण का जो लेवल है वो माप सके, क्योंकि ये तय हुआ था कि कोर्ट ने जो मानक निर्धारित किए थे उन मानक का अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हर जिले में आपको एक जरूरत पड़ेगी, आपको ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है उसको मापने के लिए यंत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप तय कर पाएंगे कि किस इलाके में कितना ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है कितना बढ़ा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि उसके पास संसाधन नहीं, उसके पास मशीनें नहीं है, तो क्या राकेश जी सरकार को इस तरह का प्रयास करेगी, अब तक उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वो यंत्र मिल जाए? निश्चित तौर पर अगर इस तरह की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर इसकी जो भी उसकी यंत्र हैं उन यंत्रों की खरीदारी भी होगी और अलग अलग जगहों पर इसको वितरित भी किए जाएंगे, ताकि जो इसके संदर्भ में जिला प्रशासन है जो इसको इम्पोज कराने के लिए अथॉरिटी है वो अथॉरिटी चेक कर सके कि कहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्र अपनी निर्धारित सीमा से ज्यादा बज रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर, व्यवहारिक तौर पर सबको इस संदर्भ में जानकारी देकर के, जहां पर चार चार लाउडस्पीकर लगे थे, लोगों को पब्लिक को समस्या हो रही थी, उस जनसामान्य की सामान्य समस्याओं को व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर समाधान करने का काम किया गया है। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि इसके ध्वनि विस्तारक यंत्रों की वास्तविक सीमा कितनी है, इसको नापे जाने के यंत्र की उपलब्धता सभी जिला प्रशासन के पास होनी चाहिए, इसके लिए जो अथॉरिटीज है उनके पास होना चाहिए। सरकार इस बारे में जरूर विचार करेगी और जरूरत पड़ेगी तो कैबिनेट से भी सारी व्यवस्थाएं इस संदर्भ में अप्रूव करा के की जाएंगी। सर, एक आरोप आप पे और लग रहा है, अमरनाथ जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो हिंदू धर्म स्थल है वहां पर परमिशन देने में आपकी सरकार बहुत आनाकानी कर रही है और वहां परमिशन नहीं मिल पा रही। बिजनौर की घटना उदाहरण है, जहां पर 3 परिवारों ने पलायन किया था, तो क्या भेदभाव रहित इस अभियान को आप लोग नहीं चला सकते क्या? देखिए, हम मानते हैं ये सरकार की सफलता है कि अमरनाथ मिश्रा जी भी शिकायत कर रहे हैं और मतीन खान भी शिकायत कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि सरकार ने प्रभावी पूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये महत्वपूर्ण नहीं है,
ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जनसामान्य है, जिसको इस ध्वनि प्रदूषण से समस्या होती है, उसकी समस्या का समाधान ढूंढा जाए। ये वास्तविकता है, इसको आंखें मूंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि अंधेरा हो गया है। ये सच्चाई है कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और उसका समाधान सबको मिलकर के ढूंढना चाहिए। वो अमरनाथ जी को भी ढूंढना चाहिए, वो मतीन खान को भी ढूंढना चाहिए, वो कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी दल विशेष के लिए समस्या नहीं है, ये समस्या सबकी है, समाज में सबके लिए है, और विशेष करके बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन सबके लिए बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान सबको करें कि आपने प्रभावी कार्रवाई की। क्या अरुण प्रकाश जी आप इस बात से सहमत है कि जो राकेश जी करे कि उन्होंने बहुत प्रभावी कार्रवाई की, इसलिए विरोध की आवाजें उठ रही हैं? नहीं, राकेश जी का एक तो ईमानदारी से बात स्वीकार करना कि, और मानस जी आपका ये बात उठाना कि उत्तर प्रदेश ध्वनि प्रदूषण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड के पास जो संसाधन होने चाहिए ध्वनि मापक के या हवा के, तमाम ऐसे जो प्रदूषण हैं उनके यंत्र में ही है। निश्चित रूप से इस पर सरकार को, कैबिनेट को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको गौर करना चाहिए था और इस पर टाइम लेना चाहिए था हाईकोर्ट से। पहले अपने संसाधन को ये विकसित करते, और देखिए कम से कम तो हमारे ख्याल से लाखों मस्जिदें होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर और लाखों मंदिर होंगे। गिरजे और गुरुद्वारे तो कम हैं, ये तो सैकड़ों हजारों की संख्या में होंगे। लेकिन निश्चित रूप से, और एक और भी बात मानस जी, अभी आपने भी थोड़ा सा इंगित किया था, देखिए जैसे बारात निकलती हिंदू की या मुसलमान की बारात निकलती, अब मैं देखता हूँ सब में डीजे का प्रयोग होता है और सब सड़क पे बारात होती है। बगल में दिल्ली है आपके, जहाँ केंद्र की पुलिस और केंद्र के ही लोग व्यवस्था करते हैं। आपके पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता में मानस जी आप कभी गए होंगे, तो कोई भी बारात सड़क पे नहीं निकल सकती और न डीजे का प्रयोग हो सकता है। आप देखते हैं ट्रैफिक एकदम डिस्टर्ब हो जाती है पूरा, जिस तरीके से वहाँ प्रयोग होता है, इसी लखनऊ में घंटों घंटों एक एक बारात निकलने से ट्रैफिक जाम हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बंद है, बंद है अमरनाथ जी। आप दिल्ली से तो आप कतरा रहे हैं, आप दिल्ली में, अमरनाथ जी दिल्ली में बंद है, नहीं रख पा रहे, दिल्ली में बंद है, कलकत्ता में बंद है, घंटे घड़ियालों पर आ रहे हैं, तो सड़क पे बारात निकालना बंद। आप अरुण जी, सवाल इस बात का है कि क्या किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना उस समस्या का समाधान है, या सरकार का दायित्व बने कि उसकी, उसको बेहतर ढंग से उसको निकालने का कोई रास्ता निकाले? जब सरकार प्रतिबंधित कर देना बेहतर ढंग से, जब सरकार प्रतिबंध करेगी और बेहतर ढंग से उस पर क्रियान्वयन होगा तभी कोई चीज। फिर तो अरुण जी आप कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि मुहर्रम का जुलूस पे पाबंदी लगा दीजिए आप, मुहर्रम फिर आप कहेंगे कि शोभा यात्रा पे पाबंदी लगा दीजिए आप, की चर्चाएं करने लगे मानव जी। नहीं नहीं, आप अगर बारात का मतलब क्या, बारात का मतलब जुलूस है तो कलकत्ता में बारात सड़क पे नहीं निकलेगी, दिल्ली में बारात सड़क पे निकलेगी? कलकत्ता में, सुनिए लक्ष्मी जी, कलकत्ता में जो बारात निकलती है आपके दिल्ली में क्यों नहीं निकलती? देखिए दिल्ली हरियाणा में क्यों नहीं, वही कह रहे हैं। देखिए कलकत्ता में जो है बारात नहीं निकलती है, ये अंग्रेजों के समय का कानून है। आपके दिल्ली और हरियाणा में, बिल्कुल हरियाणा में, दिल्ली में नहीं निकलती, हरियाणा में आप चलिए, बस राहुल गांधी के बारात में का प्रयोग नहीं होता, बारात को कैसे आप रोक सकते हैं? हरियाणा, अरे सिर्फ राहुल गांधी की बारात दिल्ली में नहीं निकल पा रही है, सबकी बारातें निकल रही है। आप जैसे छुपे रुस्तम लोग जो भेड़िए का खाल बैठ के पहनते हैं, वो अभी बारात निकली कर्नाटक में और पूरी की पूरी बारात देखी लोगों ने। प्रकाश जी आप कहां भटक रहे हैं, मेरा मामला हाईकोर्ट से था, लाउड स्पीकर से था, घंटे घड़ियाल पर पहुंच गए। ध्वनि नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण, प्रेशर हारन, आप मानस जी, लक्ष्मी जी इस बात के लिए सहमत हैं? आप गाड़ी लेके आगे खड़ी हैं, पीछे कोई वीआईपी, कांग्रेस इस बात के लिए सहमत है कि वीआईपी गाड़ी ना हो, आदेश है तो उसका पालन करना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं कर रहे? सर बाकी लोग भी हैं, मतलब परिवहन विभाग है, आप क्यों उसको सपोर्ट नहीं करते? आप थोड़े प्रेशर हारन उतरवाता हो गाड़ियों से। आज पूरे यूपी के अंदर अगर 1,00,000 परमिशन ध्वनि पर ध्वनि के लिए लाउड स्पीकर के लिए ली गई, मैडम मैडम सुन लीजिए, 1,00,000 में 90,000 मुसलमानों ने मस्जिदों के लिए परमिशन डाली है। ये जो हमारे अमरनाथ भाई बात आ रहे हैं, इसमें हमारे हिंदू ब्रादरान ने परमिशन नहीं मांगी है। मैं लखनऊ के अंदर डीएम ऑफिस बराबर गया हूँ, बहुत रेयर परमिशन ही नहीं दे, हम तो परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें जो परमिशन मांग रहे हैं वो परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन 4 बजे लाउड स्पीकर कानों में आवाज दे रहे, 4 बजे कौन कह रहा है? अरे हमारा जो टाइम है, जो सेटअप है, उसी सेटअप से हम परमिशन मांगेंगे। हाईकोर्ट के हिसाब से चलेंगे कि आपके
आप पूरी तरह से नाकाम चलेंगे या आपके परमिशन के हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से, हमारा चांद तो उसी हिसाब से निकलेगा, सूरज उसी हिसाब से गुरु होगा, सूरज और चांद के ऊपर से हमारे हमारे जो आस्था है उसी हिसाब से, उसी हिसाब से परमिशन चाहिए। तीन मिनट की अजान की परमिशन होती है, सूरज और चांद को लेकर आप कोर्ट जाते हैं, आप हमारी परमिशन पर क्यों आप कह रहे हैं कि हमने मांगी नहीं? हमने तो हिंदुओं के मंदिरों में कोर्ट की परमिशन, कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। जिस दिन ये आदेश आया उस दिन से उत्तर प्रदेश के मंदिरों में उतर गए थे। हमने तो परमिशन के लिए मांगी है, पूरे लखनऊ जिले के अंदर सबसे ज्यादा आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए क्यों ना ये मान लिया जाए कि हाईकोर्ट के पूरे आदेश को कागजों के चक्कर में उलझाया जा रहा है, कागजों में उलझा के रख दिया गया है। परमिशन तो एक बहाना, दरअसल मानकों का उल्लंघन तो सभी लोग कर रहे हैं। जब तक इस पे बात क्यों नहीं हो रही है, परमिशन से क्या चर्चा इस पे क्यों नहीं हो रही है? मतीन खान जी, आपको बताया कि इस पूरे मामले में क्या सजा हो सकती है? माना जी सही बात कह रहे हैं, ये कानून बनता है, अनुपालन हाँ। की जिम्मेदारी शासन प्रधान होती है, पूरी तरह फेल्योर है। इसको कोई धार्मिक मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको ध्वनि देखिए, हर चीज को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं, हर चीज को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं, हर चीज में समाजवादी को पूछने काम में चलेगा। आर्डर है, हाईकोर्ट का आर्डर है, तो ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, उसको पालन कराए। लेकिन जहाँ आर्डर हुआ, लेकिन आज स्थिति जज की तरह है, कहीं अनुपालन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, नहीं परमिशन के बिहार पे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन परमिशन क्या, ये परमिशन में पैसा लगता है, परमिशन के बाद आया है, परमिशन के बाद मानक का पालन होगा। लोगों को बुलाकर बैठे करके ऐसा निकालना चाहिए और उसको जाना चाहिए, जाना चाहिए मानस बजाय उसके कहा। ये तो कान में रुई डाल के बैठ गए, कुछ किया ही नहीं, जिम्मेदारी इसकी थी, आपकी बात का राकेश प्रधान की जिम्मेदारी इनकी है। एक सेकंड रुकिए, और सभी धर्मों समान सम्मान करते हुए आगे कार्रवाई करें, जिम्मेदारी शासन की है। राकेश जी, आप करने के लिए विरोध मत करिए। राकेश जी, आप कह रहे थे कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, इस पर भी जवाब दे। विरोध करने विरोध नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग तो अखिलेश यादव जी हस्त हो गए कि हर मामले अखिलेश यादव जी, हर मामले समाजवादी पार्टी, आपकी जिम्मेदारी की दवा। आप क्या करेंगे, आप सत्ता में बैठ करके आप कोसते रहेंगे क्या, कुछ करके दिखाएंगे? अरे भाई, हमने हर क्षेत्र में क्राइम क्राइम की बात कर लो, कानून व्यवस्था की बात कर लो, भ्रष्टाचार की बात कर लो, सब में तो आप आगे हो गए। क्या राकेश जी कहीं कुछ भी तो नहीं कर पाए? खाली घर में जाने काम थोड़ी चलेगा, काम थोड़ी चलेगा, सारी मुद्दों उठाने काम थोड़ी चलेगा, निरंतर करने काम चलेगा, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा फेलोर क्या होता है? न्यायालय का निर्णय वहाँ पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आप करा नहीं पा रहे हैं। राकेश इधर उधर के आप बहाने बना रहे हैं। राकेश आपका फेलोर है। अरे जगदीश जी रुक जाइए। राकेश जी, क्या इस बात को हम लोग मान ले, आपकी तरफ से ये वादा मान ले कि इस डिबेट के बाद आप जो भी मानक हाईकोर्ट ने तय किए उसका पालन करवाने के लिए आप और आपकी सरकार प्रयास करेगी गंभीरता से? देखिए मानस जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के बनाए गए किसी भी जो संस्थान है, संविधान से जो प्रवर्तक है, उसके किसी भी निर्णय के साथ आबद्ध होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, हाईकोर्ट का निर्णय हो, अक्षरशः पालन होगा, उसकी जवाबदेही हमारी है और सरकार के नाते हम अक्षरशः पालन करेंगे। मैंने किसी ने उदाहरण दिया सर, मैंने सवाल सर, एक मिनट मतीन साहब, राकेश जी मैंने सवाल इसलिए उठाया, हाईकोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश से जाम खत्म करिए, लखनऊ से जाम खत्म करिए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट का आदेश पेंडिंग है कि उत्तर प्रदेश से लखनऊ से अतिक्रमण खत्म करिए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट का ही आदेश है कि थोड़ी प्रदूषण समाप्त करिए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों तो क्यों आप तमाम आदेश जो कोर्ट के है वो आप क्यों फाइलों में लटकाए चले जा रहे हैं, क्यों नहीं उनका अनुपालन करवा रहे? मैंने इसलिए सवाल पूछा था। जवाब राकेश जी की तरह वास्तविकता ये है। देखिए, इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव जो विषय हैं, जो सीधे प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए विषय हैं, मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट के आदेश उसमें जनसामान्य की भावना के साथ ही जुड़ते हैं। लेकिन जाम का विषय, जैसे आपने उदाहरण लिया, लखनऊ में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बात सब जानते हैं।
मेट्रो प्रोजेक्ट्स के कारण सड़कें सक्रिय हुई हैं, कई जगहों पर डाइवर्जन करने पड़ रहे हैं और उसके कारण कुछ कठिनाइयां हमें सहनी पड़ रही हैं, यह सच्चाई है। इस प्रकार की कठिनाइयां भी सही थी, जहां जहां पर मेट्रो का नेटवर्क जाता है कुछ अच्छाई पाने के लिए कुछ कठिनाइयां हमें सहनी पड़ती है, लेकिन फिर भी और अच्छी व्यवस्थाएं यातायात के संदर्भ में की जानी चाहिए, इसके लिए हम सहमत हैं। इस बात से बिल्कुल सहमत, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, कोई भी रास्ता एब्सोल्यूट हो जाए इसका दावा नहीं किया जा सकता है। हम सुधार की उस गुंजाइश को स्वीकार कर रहे हैं। ये किसी भी मामले में भाजपा सरकार कोई काम करने वाले नहीं है, ये सिर्फ एक काम करते हैं, मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, मुसलमानों को दहशत देने की बात करते हैं। सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, राकेश त्रिपाठी जी बताएं कि क्या काम किया है इन्होंने, इनके विधायक जो है बलात्कारी हैं, मजदूरों के साथ अभी आप कह रहे हैं कोई काम नहीं करते, फिर कह रहे हैं मुसलमानों को डराते हैं। राकेश जी भाई आप तय कर लीजिए, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, महीने में इनका कंट्रोल नहीं है, मुसलमानों को डराते हैं, कह रहे कोई काम नहीं करते, फिर कह रहे मुसलमानों को डराते हैं, बयानबाजी हो रही है। पिछले छह महीने बयानबाजी हो रही है, वीवीआईपी छोड़ दीजिए, राकेश छह महीने में वीवीआईपी वीआईपी गाड़ियों में छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति की गाड़ियों में। राकेश जी मेरा एक सवाल है आपसे, एक अहम सवाल है, निकलेगा एक मिनट रुकिए सर, बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने पर क्या प्रावधान है और बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं? मैं बताती हूँ, 1986 अधिनियम के तहत क्या सरकार है भाई, 5 साल की सजा और पर डेली के हिसाब से का दुरुपयोग हो रहा है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, विरोध करता पूरे मामले में धारा को लगाने में कामयाब रही, अघोषित इमरजेंसी लागू हो रहा है इस मामले में, राकेश त्रिपाठी जी सारे देश में 5 साल की सजा है सर। लक्ष्मी जी मैंने शुरू में ही कहा 5,000 रुपए पर डे, देखिए मैंने सबसे पहले ही कहा था, देखिए मैं महत्वपूर्ण ये होता है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों से कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए आग्रह करें, उनको पहले इस बारे में जानकारी दें। 5 महीने से आपकी खाती यही कर रही है सर, आदेश आया है हाईकोर्ट के आदेश नहीं, हम बिल्कुल देखिए हम लोगों की सरकार चला, हम यंत्रों की सरकार नहीं चला, हम मैं दिखाऊंगा कि लखनऊ में किस ढंग से अतिक्रमण, कितना जाम लगता है, कितने अतिक्रमण हो रहे हैं, इसी बगल में स्टेडियम केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बगल में, अरे अतिक्रमण हटाते हैं आपके ही तमाम नेता उतरते हैं जमीन पर, अतिक्रमण हटाते हैं तो आपके ही तमाम नेता वहां पर अराजकता फैलाने के लिए पहुंच जाते हैं, परिवर्तन चौक के मेन सड़क पे कब्जे हो रहे हैं, आज उसे क्या हो रहा है, उसे पैसा चोरी हो रहा है, आप देख रहे हैं ये है इनकी इनकी बीच में मंदिर बना के दुकानें खोली जा रही है, नहीं चला पा रहे दसों में नहीं चला पा रहे। राकेश जी क्या इसके बाद कल से हम ये माने कि इस डिबेट के बाद इस पूरे मामले का फॉलो अप लेगी सरकार, कुछ नहीं होगा, एक बार फिर से वो जागरूकता देखने को मिलेगी जो 7 जनवरी के बाद 15 दिन देखने को मिली थी, फिर सर हवा हवाई सब हो गया। राकेश जी देखिए लक्ष्मी जी इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा जागते रहो ऐसा उद्घोष करता रहता है, और मैं हमेशा इस नाते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जनता बहुत सम्मान करती है क्योंकि वो हमेशा सरकार को उसके दायित्व के प्रति हमेशा जागरूक रखने का कार्य करती है, आपकी ये डिबेट निश्चित तौर पर जगाने का काम करती है, नौकरशाही के उन सारे लोगों हम सब लोग आपको जगाने का काम कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं कि आप जागते रहिए लेकिन आप सोते हैं, निश्चित तौर पर सरकार की नीति के संदर्भ में सवाल ये, अरे भाई विपक्ष तो सुनिए, विपक्ष तो सुनिए, विपक्ष के पास तो केवल हर विषय पर केवल नकारात्मक राजनीति का अपराधी है, जगदेव जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। राकेश जी मेरा सवाल ये कि रात के 10 तक सुबह के 6 बजे तक ये रोक लगाई गई है लेकिन 4 बजे हमारे कानों में लाउड स्पीकर की आवाज आती है, उसकी जानकारी कौन रखेगा, मैं रखूंगी आप रखेंगे या पुलिस प्रशासन रखेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मोहन भागवत के लोग, इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी है। अरे भाई अरुण जी इस प्रकार से डेरेल करते हैं, ये जानबूझ के चाहते नहीं है कि वो 4 बजे वाला लाउड स्पीकर बंद हो जाए, ये अरुण जी नहीं चाहते हैं, इसलिए जब ये जिम्मेदारी से प्रश्न होता है तो ये जिम्मेदारी से उत्तर नहीं देते। देखिए इस बात को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार की जवाबदेही है, सरकार जिम्मेदारी से भागेगी नहीं, पीछे हटेगी नहीं, के लिए कोशिश करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान ले, जिस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है पुलिस वहां कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे और हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।